बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्कर भाई, कपास की ट्रिपल जीन वैरायटी, जिसे 3G वैरायटी भी कहा जाता है, जिन्हें ग्लाइफोसेट फ्री भी कहा जाता है और जिन्हें पिंक फ्री वैरायटी भी कहा जाता है। काश भाई, ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि कपास का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो ट्रिपल जीन वैरायटी के साथ वाबस्ता है। इसकी वजह यह है कि हमारे काश्तकार दोस्तों को कपास की फसल के अंदर 2-3 जो बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक तो जड़ी बूटियाँ होती हैं और दूसरी गुलाबी सुंडी। जड़ी बूटियाँ हमारी फसलों को उठने नहीं देती। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे काश्तकार दोस्त अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रहा होता है, लेबर नहीं मिलती, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी भी मुतासर होती है। ख़ासतौर पे फिर जब बारिशें हो रही होती हैं मानसून के मौसम के अंदर, उस वक्त फिर ट्रैक्टर के ज़रिए भी गोडी नहीं हो सकती, हमारा काश्तकार दोस्त परेशान होता है, जड़ी बूटियाँ काफ़ी ऊँची हो जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा मसला होता है वो गुलाबी सुंडी का होता है। गुलाबी सुंडी से हमारा जो सितंबर का फल होता है, जो अगस्त का फल होता है, वो सारा का सारा मुतासर हो जाता है। जैसा कि इस वक्त अगर आप देखोगे, जो ट्रिपल जीन वैरायटी नहीं होंगी, चाहे वो SS32 है, चाहे वो SS102 है, या कोई भी दूसरी वैरायटी है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा गुलाबी सुंडी नज़र आएगी। जैसे कि इस वक्त जब हम खड़े हैं, अगस्त के आखिर के अंदर खड़े हैं, फसल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल उठा रही है, फसल की बढ़ोतरी बहुत खूबसूरत है। देख सकते हैं आप फसल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फूल भी आ रहे हैं। एक एक पौधे के ऊपर आपको 3-3, 4-4 फूल नज़र आ रहे हैं। रोज़ाना के 3-4 फूल भी आ रहे हैं। फूल गुडी भी बेताश है। 15 से 20 मन फी एकड़ पैदावार हमारे काश्तकार दोस्त ले सकते हैं सिर्फ इस एक महीने की मेहनत की वजह से। लेकिन इस वक्त गुलाबी सुंडी भी बहुत ज़्यादा आ गई है। वो वैरायटी जो कि SS32 102 वाली जो वैरायटीज़ हैं, उनके ऊपर गुलाबी सुंडी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ज़रा करीब ला के दिखाएं, ज़रा गुलाबी सुंडी किस तरह की होती है। देखें भाई, जिस तरह से फूल अगर आपको बंद नज़र आ रहे हैं, मधानी नुमा आपको फूल नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर गुलाबी सुंडी है। ये देखें, इसे हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर ये गुलाबी सुंडी जो है वो नज़र आ रही है। ये ठीक है जी। इसी तरह से जब आप इस फूल को देखते हैं तो इसको, ये भी मधानी नुमा फूल है बिल्कुल उसी तरीके से, और इस फूल को भी जब हम खोल के देख रहे हैं तो इसके ऊपर भी ये गुलाबी सुंडी नज़र आ रही होगी। थोड़ा करीब करके दिखा दें ज़रा गुलाबी सुंडी। इसके बाद जो है, अगर हम इस पौधे के ऊपर अगर आ जाते हैं तो इसके ऊपर भी आपको इसके ऊपर भी आपको ये मधानी नुमा फूल नज़र आ रहा है, ये ऊपर ही आपको। अब इस फूल को भी जब हम खोल के देखेंगे तो ये गुलाबी सुंडी जो है थोड़ा सा सफ़ेद से रंग की, ये आपको ये नज़र आ रही होगी, ये गुलाबी सुंडी है जी। ठीक है, उसके बाद जब हम इस पौधे के ऊपर आते हैं तो इसका भी मधानी नुमा फूल है, और इसे भी हम जब हम खोल के देखेंगे तो इसके ऊपर भी ये गुलाबी सुंडी जो है, ये गुलाबी सुंडी आपको नज़र आ रही होगी इस पत्ते के ऊपर। इसी तरह से जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इस पौधे को अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर भी ये फूल नज़र आ रहा है, मधानी नुमा फूल है, और इसे भी जब हम खोल के देखेंगे, गुलाबी सुंडी असल में बंद कर लेती है फूल को, ये गुलाबी सुंडी आपको ये नज़र आ रही होगी। तो काश्तकार भाई, आप ग्रोथ देख सकते हैं, फसल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है, फूल गुडी बेतहाशा आ रही है, फसल बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन गुलाबी सुंडी की वजह से हमारी जो ऊपर की 10-15 मन फी एकड़ पैदावार है वो मुतासर हो सकती है, क्योंकि गुलाबी सुंडी का बहुत शिद्दत के साथ हमला हो गया। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए था कि शुरू के अंदर ही ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त कर लेते, थोड़ा सा बीज महंगा हो सकता है, लेकिन इस वक्त गुलाबी सुंडी के लिए हमारे काश्तकार दोस्त जो है वो 2-2 हज़ार रुपये का स्प्रे करवा रहा है, और एक स्प्रे के साथ ये कंट्रोल भी नहीं होती, कम अज़ कम 2 से 3 स्प्रे करने पड़ते हैं। तो काश भाई, आपको आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये बताना आपको मकसद था कि ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त करें, चाहे CKC3 वैरायटी काश्त करें, CKC6 काश्त करें, CKC7 काश्त करें, या इसके अलावा FS333 वैरायटी काश्त करें, CS200 सिल्वर कॉइन, या इसके अलावा जो भी वैरायटी ट्रिपल जीन आ रही हैं वो आप काश्त करें, जड़ी बूटियों को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, और गुलाबी सुंडी का हमला इस वक्त जो भी ट्रिपल जीन वैरायटियाँ उनके अंदर नहीं है, नहीं नज़र आ रहा इस वक्त गुलाबी सुंडी, जो हमारी FS333 वैरायटी है, या CKC6 वाली वैरायटी, इस तरह की जो भी वैरायटियाँ उनके अंदर गुलाबी सुंडी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी सारी वैरायटी जो हैं उनके अंदर गुलाबी सुंडी नज़र आ रही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।